हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर के ड्यूटीज़ के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और आपको ये सवाल पूछा जाता है कि सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या होती है, तो आपको वहाँ पर डिटेल में जवाब नहीं देना होता है, बल्कि आपको जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं उसको आपको उनको बताना होता है। तो वही जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पर हम देखने वाले हैं, यानी कि हम उसका डिटेल में आंसर न देकर उसको हम शॉर्ट में और अच्छे से कैसे बता सकते हैं, वो आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ड्यूटीज़ ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि टूलबॉक्स स्टॉक को प्रिपेयर करना, मंथली स्टैटिस्टिक को प्रिपेयर करना, सेफ्टी चेकलिस्ट को प्रिपेयर करना, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स बनाना, मैनेजमेंट मीटिंग्स को कंडक्ट करना, सेफ्टी क्लासेस या फिर सेफ्टी ट्रेनिंग को अरेंज करना, मंथली सेफ्टी बुलेटिन को अरेंज करना, फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन करना, फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्लासेस को अरेंज करना। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी कॉम्पिटिशन, जैसे कि क्विज कॉम्पिटिशन हो, स्लोगन कॉम्पिटिशन हो या फिर पोस्टर कॉम्पिटिशन एग्जीबिशन हो, उसको अरेंज करना एक्सेट्रा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि अगर इंटरव्यूअर आपको ये सवाल पूछता है कि सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या होती है, तो उसको आपने शॉर्ट में कैसे आंसर देना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।